कोई लॉजिक नहीं है. इंसान 10 लोगों से हमेशा एट ऑल टाइम हम बायोलॉजिकली अट्रैक्टेड रहते हैं, बट द रीज़न वाई वी डोंट एक्ट ऑन दैट बायोलॉजिकल अट्रैक्शन इज बिकॉज हम इंसान हैं, हमारे अंदर सेल्फ कंट्रोल है. जबरदस्त मिथ बस्ट करने वाले हैं लॉन्डो का. आप जब 15 या 13 साल के थे तो मैंने सुना था, मुझे यकीन नहीं होता लड़का मुझसे पूछ रहा कि भाई ये सच है या झूठ है. भाई कमेंट्स में जितने लड़के भी हैं जिन्होंने ज़िंदगी जी है थोड़ी सी, इनकी रिलेशनशिप रही हैं, कृपया करके मेरे को बैक करना, बताना मैं शायद गलत बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ मुझे पता नहीं है. बट मिथ हर लॉन्डो ने सुना है ये, इफ़ यू हैव सेक्स विद योर गर्लफ्रेंड शी वॉन्ट लीव यू. अगर आप किसी लड़की के साथ, युक्ति के साथ, आपकी जो पार्टनर है उसके साथ अगर आप यौन संबंध बना लेते हैं, आप संभोग कर लेते हैं, तो वो आपके तरफ ऐसे अट्रैक्ट हो जाती है, वो आपसे ऐसे जुड़ जाती है, उसका यूनियन और आपके यूनियन ऐसे तारों से जुड़ जाता है कि फिर वो आपको ज़िंदगी में कभी छोड़ नहीं पाएगी. अब भाई तुमने सेक्स कर दिया, लड़की की ज़िंदगी तबाह कर दी तुमने, अब वो उसको छोड़ नहीं सकती. वो तुम्हें कितने लौंडे हैं, अरे भाई रिलेशनशिप में मैं लेकिन सेक्स नहीं करूँगा क्योंकि मेरे को रिलेशनशिप में परमानेंटली थोड़ी रहना है, तो मैं सेक्स नहीं करूँगा. स्मार्ट, क्या स्मार्ट लड़का है, उसको परमानेंटली नहीं रहना था रिलेशनशिप में, इसलिए उसने सेक्स नहीं किया उसके साथ, क्योंकि उसको डर लग रहा है कि अगर मैंने कर लूँगा तो मैं दिल से धोखा दे दिया. तो भाई ये मिथ है, ये बकवास है, बकचोदी है, ठीक है. कुल मिला के सिंपल सा सच सुन लो, ये अगर होता तो पूरे होमो सेपियंस पे एग्जिस्ट करता, राइट. तुम कह रहे हो एक बायोलॉजिकल फिनोमिना है, अगर ये एग्जिस्ट कर रहा होता तो ये सिर्फ तुम्हारे एक चौराहे पे जो तुम्हारे चार लौंडे चूतिया बता रहे हैं जिनमें खुद तो कभी सेक्स किया नहीं है वो नहीं बता रहे होते ना, ये बात, ये एक ग्लोबल फिनोमिना होता हर दुनिया में, हर किसी कंट्री में, हर किसी जगह. होमो सेपियंस हम सेम ही हैं, ऐसे समझो. कल्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं, परसेप्चुअल डिफरेंसेस हो सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बायोलॉजिकली हम डिफरेंट हैं, ठीक है, राइट. तो अब अगर कह रहे हो कि ऐसा सेक्स चीज़ करता है इंसान की बायोकेमिस्ट्री में इफेक्ट डालता है कि इंसान छोड़ ही नहीं पाता, ऐसे फंस जाता है उस इंसान के साथ, तो भाई जिंदगी में ना डिवोर्स हो पाएंगे, ना ब्रेकअप हो पाएंगे, हज़ारों तरह की जो किंक फैंटेसीज हैं वो नहीं हो पाएंगी. थ्रीसम जो आप जब बैठ के देखते हो पॉर्न में, भाई वो सब पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं. थ्रीसम होते लड़की क्या कंफ्यूज हो जाएगी, अरे अब मैं क्या करूं, इधर भी सेक्स कर लिया उधर भी सेक्स कर लिया, अरे यार. या फिर लड़का दो लड़के सेक्स कर ले वो भी ऐसे हो जाए, अबे अबे अब तो दोनों को शादी, हमें एक दूसरे से भी शादी करनी पड़ेगी, ट्रिपल शादी. यहाँ पे लड़का लड़की से शादी नहीं कर रहा, लड़का लड़के से भी कर रहा है क्योंकि तीनों ने सेक्स कर लिया एक दूसरे के साथ, तो कोई सेंस थोड़ी है. सेक्स विद योर गर्लफ्रेंड शी वॉन्ट लीव यू. भाई चलो चले जाते हैं, इसमें भी डीप चले जाते हैं. देखो कई चीज़ें हैं, एक चीज़ समझो, समाज में हम कल्चरली, आउट ऑफ कल्चर, आइडियोलॉजिकली हम सुनते हैं तो हम मान लेते हैं. सुना तो हमने मान लिया, कभी क्वेश्चन नहीं किया हमने, कभी एक्चुअल में क्रिटिकल वे में उसको देखा नहीं, हमने बस मान लिया और हम ऐसे जीने लग गए. असली में आप ये देखोगे बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेसेस, आइडियोलॉजिकल जो हमारी विचारधाराएँ होती हैं वो ऐसे ही बनती हैं. यहाँ पे मैं सिर्फ सेक्स की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी ज़िंदगी बात कर रहा हूँ, इवन पॉलिटिकल थॉट, आइडियोलॉजिकल थॉट. आप बहुत सारी चीज़ें हम इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि किसी ने हमें कुछ समझा दिया था. सोचना इस बारे में, आपने कभी एक्चुअल में क्वेश्चन नहीं किया, आपने कभी उसको बिल्कुल ढंग से वे नहीं पूछ लिया कि भाई इसने डाउट ही ठोक दिया कि अच्छा ये है, मान तो लिया, प्रूफ करके दिखाओ, एविडेंस दिखाओ उसका, भाई साइंटिफिक हमें पूरा एविडेंस दिखाओ, हमें पूरा वो देखना है इसका, एंथ्रोपोलॉजिकली दिखाओ हमको, बायोलॉजिकली दिखाओ हमको, एवोल्यूशनरी यू नो साइंसेस जितनी भी हैं उसमें हमें दिखाओ, उसमें ये कहाँ पे ये एग्जिस्ट करता है. नहीं है, किसी ने समझाया आपको, आपने कहा ये चीज़ यहाँ पे फीलिंग डाल रही है, आइडियल सिनेरियो है ये, तो बहुत अच्छा सिनेरियो लग रहा है कि अगर लड़की से सेक्स कर लें फिर वो छोड़ेगी नहीं, तो कर लेना चाहिए क्योंकि फिर वो हम नहीं हो गई, फिर तो वो छोड़ ही नहीं सकती, तो बड़ा दिल को बहलाने वाला सिनेरियो है ना. आप कर लेते हैं फिर वो छोड़ देगी अगर आपको बाई चांस, तो आप कहते हो ये क्या हो गया ये लड़की, तो फिर अलग तरह की लड़की निकली, क्योंकि लड़कियाँ जो जनरली तो ये नहीं करती ना, ये कहाँ से लाया आप ख्याल. भाई जैसे आप हो वैसी लड़कियां हैं, आप सिंपल जब खोलते हो इंस्टाग्राम तो हिला रहे हो ना 10 को देख के, सच की बात करें, नौटंकी हटाएं 5 सेकंड के लिए, दोस्त हिला रहे हो ना दोस्त, ठीक है. रोड पे जब होते हो कोई सुंदर लड़की दिख जाती है तो खोपड़ी घूम जाती है ना पूरी 180, है ना, चाहे कितने भी तुम्हारी एनाटॉमिकली तुम्हारी खोपड़ी रोक दे उसको, तुम्हारी खोपड़ी लेकिन अजूबी चीज़ें कर देती है उस वक्त, सब फेल कर देती है बायोलॉजी, तुम ऐसा खोपड़ी घुमा डालते हो पूरी खोपड़ी, कहती है कि अरे मुझे पता नहीं था मैं इतने एंगल पर घूम सकती हूँ. कैसे होता है ये, कैसे हो रहा है, क्यों, क्योंकि तुम एक सेक्सुअल बीइंग हो मेरे बाप, ठीक है, तुम्हारे अंदर बहुत भावनाएं जगती हैं, तुम फूटते रहते हो, तुम बहाते रहते हो, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है. तो ये सबके साथ है दोस्त, वो लड़की भी फट रही है वैसे,
तो जस्ट बिकॉज तुमने किसी का सेक्स कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि भाई वो कोई चुंबक लग गई है, अब वो चुंबक छुटाने में संसार निकल जाएंगे, सात सात जन्म लग जाएंगे, लेकिन वो छूटेंगे नहीं। ये कोई लॉजिक नहीं है। इंसान 10 लोगों से हमेशा एट ऑल टाइम हम बायोलॉजिकली अट्रैक्टेड रहते हैं, बट द रीज़न वाई वी डोंट एक्ट ऑन दैट बायोलॉजिकल अट्रैक्शन इज बिकॉज हम इंसान हैं, हमारे अंदर सेल्फ कंट्रोल है, ठीक है। हम में जानवर में ही फर्क है मेरे दोस्त, हमने एक सोसाइटी इन्वेंट कर लिया, सोसाइटी वैसे शेम इन्वेंट हो गई है। अब शेम की वजह से हम सटल वे में देखते हैं, कोई लड़की दिख रही है हम चुपचाप ऐसा देख रहे हैं, फिर काम भी कर रहे हैं, फिर देख रहे हैं, फिर काम कर रहे हैं, क्या है ये? सटल वे है, एक बायोलॉजिकल अट्रैक्शन को हम अपनी परस्यू कर रहे हैं उस मोमेंट में। खाना दे रहे हैं, अभी कितनी सुंदर है, अभी कौन है, फिर उधर देखने लग गए, अरे यार इसकी फिगर क्या बढ़िया है, शादी फंक्शन में लाउंडे साड़ी में लड़की पलट के बैठ के पीठ देख रहे हैं, क्या करते हैं कि नहीं करते लाउंडे, अबे उसको देख इसको देख, चार लाउंडे खड़े हो जाए पूरा टाइम, अबे उसको देखा उसको देखा, अबे कहाँ, अबे क्या कंचा, अबे ये, अबे वो, अबे ये क्या लग रही है, अबे उसमें वो लग रही है, क्या हो रहा है? ये चार बंदर हैं वो जो बायोलॉजिकल अर्जिस पे अपने रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है बायोलॉजिकली आपके दिमाग में? सिमिलरली लड़कियाँ हैं, उसको भी कोई अट्रैक्टिव दिख रहा है, आप बैठ के वो लड़की गेम ऑफ थ्रोन्स देख रही है, उसको खाल द्रोगो दिख जाता है, भाई सबकी फैंटेसियाँ जाग जाती हैं, कौन लड़की इसकी खाल द्रोगो फैंटेसी नहीं है? बात कर लो किसी से भी, बता देगी, शर्मा लेगी स्टार्टिंग में, पहले कहेगी हाँ है, अगर तुम्हें लगता है तुम खूंखार लड़के हो, बहुत ही इनसिक्योर हो जाओगे, चोट खा जाओगे, तो नहीं बताएगी कभी, कहेगी सारे सब तो बकवास है, सब बकवास कर रहा है दड़ियल आदमी, मुझसे झूठ बोला है वीडियो पे। बट हम एक्ट नहीं करते, द पॉइंट इज दैट वी डोंट एक्ट ऑन थिंग्स बिकॉज यार कॉन्शियसली हमें पता है कि ठीक है अट्रैक्शन है, हम इस पर खाना नहीं देंगे, दैट्स वॉट वी डू, हम फाइट अगेंस्ट, वी फाइट अगेंस्ट इट, या फिर हम कंट्रोल रखते हैं अपने ऊपर कि हाँ चलो ठीक है अट्रैक्टिव है, लेकिन आई विल इम्पोज सेल्फ कंट्रोल ऑन माई सेल्फ कि इस चीज से मेरा नजरिया मैं जानबूझ के हटा लूंगा, होगी तो होगी, खुश रहे। कई बार क्या होता है आप ऐसे कल्चरल जगहों पर रह रहे हो तो जहाँ पे लोग यूज टू हैं, देखते हो हाँ ठीक है होगा, बहुत अट्रैक्टिव लोग हैं, आपको इतना वो चीज़ बाय एक्सपोजर ही इतनी मैटर ही नहीं करती, आप नजर हटा रहे हो ठीक है यार ओके नॉर्मल चीज़ है, ऐसे समझो। माइक की आवाज़ थी, ठीक है। तो दोस्त समझो इस चीज़ को, थोड़ा सा दिमाग खोलो, हम बायोलॉजिकल बींग्स हैं, प्लीज़ इन कल्चरल प्रैक्टिस, इन कल्चरल रिचुअल, इनसे थोड़ा सा दिमाग ऊपर करो, इसलिए नहीं क्योंकि ये चीज़ बुरी है या अच्छी है, इसलिए बिकॉज आपकी सोच आपको कल्टीवेट करना आपकी ड्यूटी है, अपनी सोच कल्टीवेट करो, क्वेश्चन करो, डाउट करो। मैं नहीं कह रहा, मैं जो कह रहा हूँ मान लो, मत मानो भाई, जो आप मानते हो वो सच है, आप यही मानो, लेकिन उसको क्वेश्चन करके वेरीफाई करके कर लो, कहो कि मैंने वेरीफाई किया है, हाँ ये बात जो है ये भाई जो कह रहा है गलत कह रहा है, ये एक्चुअल में वेरीफाई करके मैंने निकाल ली सच है। लेकिन अंधाधुन किसी भी उसमें तथ्य नहीं, कोई किसी तरह का प्रूफ नहीं और तुम मान रहे हो आंखों में पट्टी मान के, तो भाई वो चीज़ गलत है ना। आंख बंद करके किसी चीज़ को फॉलो मत करो लाइफ में यार, मैं बस यही कहूँगा, हो सकता है मैं भी गलत हूँ, हो सकता है, ठीक है दोस्त। बाकी काम करते रहो लाइफ में, अपनी ज़िंदगी, भाई कोई प्रॉब्लम हो एट मैन सूत्रा पे भेजो दोस्त, ठीक है, एट मैन सूत्रा इंस्टाग्राम पे बात करेंगे हम लोग, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे कोई भी चीज़ पर टॉपिक हो, फैंटेसी हो, सेक्स हो, फैक्स हो, कुछ भी हो, टेंशन ना लो, मैं हूँ, ओपनली बात करता हूँ चैनल में, ऐसा कोई परेशानी वाली बात नहीं है।